अस्सलाम वालेकुम, क्या चाल है दोस्तों। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो भाई आज हमारे साथ बैठे हुए हैं जिनका जापान का ई वीजा लग गया है। ये मैं आपको दिखा दूं, ये जापान के दोस्तों जब अप्रूव होता है तो ये दो पेपर आते हैं, एक जापान ई वीजा होता है, एक इशूइंग नोटिस होता है। और डॉक्यूमेंट्स भी बताता चलूं और सारी ट्रैवल हिस्ट्री भाई को बता दें कितना टाइम लगा है। दोस्तों जापान का जो आजकल आप वीजा ई वीजा अप्लाई कर रहे हैं तो उसके अंदर तकरीबन 10-15 दिन 20 दिन लग रहे हैं। और उसके अलावा मैं बताता चलूं ये टू पेपर्स मिलेंगे, एक वीजा इशूइंग नोटिस है और एक वीजा, दोनों ही वीजा इशूइंग नोटिस है, एक जापान ई वीजा है और एक इशूइंग नोटिस है। अच्छा अब मैं बताता चलूं दोस्तों कि अगर जापान को कोई ई वीजा अप्लाई करना है उसके लिए 3 मंथ की बैंक स्टेटमेंट, पासपोर्ट, पिक्चर और NOC चाहिए होगी। और इसके लिए किसी भी किस्म की ट्रैवल हिस्ट्री हो या ना हो अप्लाई कर सकते हो। ऑनलाइन वेबसाइट है, आपने डॉक्यूमेंट स्कैन करने हैं, अपलोड करने हैं। एडिशनल डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपके पासपोर्ट की कॉपी, वीजा की कॉपी, एमिरेट्स आईडी कॉपी, पिक्चर, NOC, बैंक स्टेटमेंट और होटल बुकिंग, फ्लाइट रिजर्वेशन, ये लगते हैं। अच्छा अब भाई की जहाँ तक ट्रैवल हिस्ट्री की बात की जाए तो इनकी एक तुर्की का ट्रैवल था और एक दो छोटे से और वीज़ा लगे हुए थे, आई थिंक सो थाईलैंड मलेशिया लगा हुआ था वीज़ा। इनके साथ वीज़ा अप्लाई किया जापान का। अच्छा जापान वीज़ा की ख़ास बात यह है कि हर कैटेगरी का बंदा अप्लाई कर सकता है, बेशक उसका वीज़ा डेजिग्नेशन लो हो या हाई हो। इसके लिए किसी किस्म की वीज़ा डेजिग्नेशन रिक्वायर्ड नहीं होती है। जैसा कि आप कनाडा या कोई बड़े कंट्री में वीज़ा अप्लाई करने लगते हैं तो उसके लिए प्रॉपर तमाम चीज़ें चाहिए होती हैं, लाइक आपका वीज़ा प्रोफेशन ठीक हो, थोड़ी सी ट्रैवल हिस्ट्री हो, बैंक स्टेटमेंट वगैरह। जहाँ तक जापान ई वीज़ा की बात रही है, इसके लिए अगर आपका वीज़ा डेजिग्नेशन लो भी होगा, बैंक स्टेटमेंट लो होगी और किसी कंट्री में आपने ट्रैवल नहीं किया होगा, तब भी आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। और जापान का एक बार ट्रैवल करने के बाद आप किसी भी अच्छे बड़े कंट्री का वीज़ा आसानी से हासिल कर सकते हो। जापान उन चंद एक कंट्रीज़ में से एक है जिनकी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जहाँ पर सैलरी वेजेस हाई हैं। आप अगर अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके के बाद किसी कंट्री को देखते तो वो जापान ही है जहाँ पे हाई सैलरीज मिलती हैं। तो भाई को जो वीज़ा मिला है सिंगल एंट्री का वीज़ा मिला है 15 डेज़ का और 3 मंथ की वैलिडिटी के साथ मिला। 3 मंथ के अंदर ये कभी भी ट्रैवल कर सकते हैं, 15 दिन वहाँ पे स्टे कर सकते हैं और सिंगल एंट्री। तो दोस्तों अगर आपने ये वीज़ा देखना, मैंने इंस्टाग्राम पे अपलोड कर दिया ये वीज़ा, आप वहाँ पे जा कर देख सकते हो। जैसे इस भाई ने लिया आप भी ले सकते हो। नेक्स्ट वीडियो मिलूंगा, नेटवर्क का ख्याल रखो, अपना टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।